गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित धर्मपुर कुइया गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 19 किलोमीटर है। लगभग 3,500 की आबादी व 1,450 वोटरों द्वारा बनवारी लाल को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 430 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगभग 42 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, 25 सोलर लाइट भी लगाई गई है। वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 आवासों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाली, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, बारातगढ़, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 410 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र धर्म भुपिया, मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जो जैसे आवास बन रहे हैं उसी तरह से जो आवास का पैसा लाभार्थी के खाते में जा रहा है, इसी तरह से जो योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गांव के लिए ODF कराना, तो इसमें हमारे सामने बहुत समस्याएं आ रही हैं। हमारा सरकार से एक निवेदन है कि अगर ये पैसा या तो डायरेक्ट जैसे आवासों का पैसा डाला जाता है उसी तरह से लाभार्थी के खाते में डाले जाएँ, और उसी तरह से लाभार्थी के खाते में डाले जाए, या फिर हमने आधार कार्ड और लाभार्थी का खाता संख्या सब हमने एक बुकलेट में लिख के गांव मतलब घर घर घूम के और वो हमने अपने ब्लॉक में जमा कर दिए हैं, जिले पे भी पहुंचवा दिए हैं, तो उनका सीधा सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में चला जाए या फिर प्रधान द्वारा बनवा दिया जाए। तो इस तरह से ये ODF में बहुत बड़ी दिक्कत है। या तो सरकार से रिक्वेस्ट है या तो सरकार अपने स्तर से सीधे जिला से या ब्लॉक से खाते में पैसा पहुंचवाए, इसमें प्रधान के लिए मोहरा ना बनाया जाए, या फिर प्रधान के लिए जब जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो प्रधान द्वारा बनवाए जाए। ये हमारी बार बार निवेदन रिक्वेस्ट है। तुम्हारा ये मानना है कि अगर लाभार्थी खाते में अगर पैसा भेजा जाएगा तो ODF ग्राम पंचायत नहीं होंगी? नहीं हो पाएंगी, ये बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। हमारे कई प्रूफ हैं हमारे पास, हम जिला मुख्यालय तक घूम के आ चुके हैं। हमने उनके लिए जो समस्याएं जिन जिन गांवों में, एक चंदोसी में पड़ता है करेली गाँव, उसमें 100 शौचालय आए थे, 40 बहुत ही मुश्किल से 4-5 बार पुलिस वाले बुलाए हैं, थोड़ी सी मतलब अधिकारी भी बुलाए हैं, तो 40 शौचालय बने हैं और अभी 60 शौचालय वहाँ लाभार्थियों के द्वारा पैसा पहुँच गया, लेकिन 60 शौचालयों का निर्माण कार्य भी चालू नहीं हुआ है। हमने सारा कुछ बताया जिला पे पहुँच के।